मालशेज घाट भारत के महाराष्ट्र स्टेट के वेस्टर्न घाट के सह्याद्री माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है। ये एक माउंटेन पास है जो कल्याण और अहमदनगर को जोड़ने वाला NH-61 नेशनल हाईवे है। घाट के वेस्ट में थाने डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट में पुणे डिस्ट्रिक्ट है। इसकी हाइट अराउंड 700 मीटर है। मुंबई से मालशेज 125 किलोमीटर, पुणे से 125 किलोमीटर और नासिक से 135 किलोमीटर पर है और कल्याण से ये सिर्फ 85 किलोमीटर पर है। यहाँ जाने का बेस्ट पीरियड मानसून है जो कि जून टू सितंबर। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट पीरियड होगा अक्टूबर टू मार्च। स्टे के लिए MTDC रिसोर्ट है और देखने के लिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स और वैलीज है। मालशेज आप प्राइवेट या रेंटल व्हीकल से ही जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या एयरपोर्ट नहीं है। मैं मेगा लवली टेल से फिर से आपके सामने एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आई हूँ मालशेज घाट घूमने के लिए और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मालशेज घाट के सारे वाटरफॉल्स और यहाँ के कुछ पॉइंट्स भी। तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो, इस ब्लॉग पर बने रहिए। हम जा रहे हैं अब मालशेज की तरफ और आपको मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है ये है मालशेज घाट जाने वाला रास्ता। तो बस हम चले गए इस रास्ते पर, तो आप भी मेरे साथ इस रास्ते की ब्यूटी को एंजॉय करिए। गाइज़ यहाँ से जो ये ट्रैकिंग का रोड स्टार्ट होता है जो जाता है नाने घाट तक, तो ये ट्रैकिंग रोड है, यहाँ से लोग ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं और हम जा रहे हैं बाय कार, तो इसके लिए हम लेंगे ये रास्ता मालशेज घाट जाने के लिए। गाइज़ ये जो आप गेट देख रहे हो ये है एंट्री ट्रैकिंग के लिए। तो आप देखिए ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा सा रोड बना हुआ है। गाइस आप देख सकते हो रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी है। ये गोवली से स्टार्ट होता है, वो वहाँ से जो रोड स्टार्ट होता है मालशेज घाट की तरफ, ये रोड भी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल खड्डे नहीं है, बिल्कुल वेल मेंटेन रोड है। सिर्फ सिंगल लेन रोड होने के वजह से आपकी कार थोड़ी स्लो चलती है। गाइस रास्ते में काफ़ी रेस्टोरेंट है, हमने प्रांजलि फैमिली रेस्टोरेंट में लंच लिया। रेस्टोरेंट काफ़ी क्लीन स्पेशियस विथ AC हॉल है, खाना बहुत ही टेस्टी फ्रेश है, तो चलिए लेते हैं इसकी मज़ा। अब चलते हैं मालशेज पॉइंट की तरफ, हमने डिसाइड किया मालशेज के टॉप पर सबसे पहले जाएंगे। MTDC रिसोर्ट मालशेज के टॉप पर है और यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है, तो चलिए देखते हैं इसे। गाइज हम पहुँचे हैं मालशेज के MTDC रिसोर्ट पर। ये रिसोर्ट है टॉप पॉइंट पे मालशेज घाट के, तो ये महाराष्ट्र टूरिज्म का है और यहाँ हम लेने वाले हैं टी। तो बस इसका व्यू मैं आपको दूंगी कि किस तरह का रिजॉर्ट है, लोग यहाँ पर आते हैं रहने के लिए। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करिए और जो रेट्स है वो आपको सारे maharashtratourism.com गवर्नमेंट का जो है उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ये इनका पार्किंग लॉट है, उसके साथ बने हुए कुछ वॉशरूम्स, यानी अगर आप सिर्फ यहाँ पे घूमने आए हो तो इन वॉशरूम्स का आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ये एक बंगलो स्टाइल का बना हुआ एक स्टे रूम है और उसके साथ साथ काफ़ी यहाँ पर कॉटेजेस है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन हाउसेस भी देखे। गाइज इनका फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट है, तो बस हम शायद यहाँ पर अब चाय लेंगे। उसको लगकर ही एक गार्डन सा है बच्चों को खेलने के लिए, तो काफ़ी गेम्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए। अगर आप यहाँ पे स्टे लेते हो तो आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। गाइज फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट को लगकर ही इनके वैली व्यू रूम्स भी है जहाँ से आप वैली को भी एंजॉय कर सकते हो।
गाइज, ये जो फॉग देख रहे हो ये ऐसे लग रहा है जैसे क्लाउड्स नीचे आ गए और ये क्लाउड्स के बीच में मैं खड़ी हूँ। सीरियसली ये जो एक्सपीरियंस है वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ देखिए इस नज़ारे को और आप ज़रूर इस माळशेज घाट को विजिट करिए महाराष्ट्र के मानसून में। और एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा, लेकिन आज अभी जब हम पहुँचे हैं तो बारिश हो रही है और उसके साथ साथ पूरा फॉग है, यानी आसमान नीचे आ चुका है, पूरे फॉग के अंदर है, तो व्यू तो इतना नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ इस व्यू को, तो इस व्यू को मेरे साथ आप एंजॉय करिए। ये जो स्पॉट है जो आपको यहाँ से दिख रहा है, वहाँ जाके लोग अपने फोटोग्राफ्स निकालते हैं, अपने सेल्फीज निकालते हैं, वीडियोज़ करते हैं और यहाँ से इस व्यू को एंजॉय करते हैं। माळशेज का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल हम अब विज़िट कर रहे हैं और ये वाटरफॉल की खासियत ये है, यानी इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको इस वाटरफॉल तक अगर जाना है तो आपको भीगते हुए जाना है, तो बस हमें वो अब करना है। थोड़े से हम हड़बड़ा रहे कि पूरे भीग जाएंगे, ऑलरेडी बारिश लगने के वजह से हम भीगे तो है ही, तो बस जा रहे अब इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए। गाइस, मुझे मेरा एक अच्छा दोस्त मिल गया है यहाँ पर जिसका नाम है सिम्बा और ये बहुत मस्तीखोर लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला है ना, बहुत मस्ती करता है। हाँ, ये देखिए गाइस, तो ये सिम्बा और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टिल्लू। इसका नाम टिल्लू है एंड दिस वन इज सिम्बा। ओ माई गॉड, सिम्बा सिम्बा के नाम के एकदम सूट करता है वो। आप देखिए नए फ्रेंड्स मिले हैं, सो इट्स ऑसम, और वो लोग भी इस वाटरफॉल को एंजॉय करने आए हैं। गाइस, मुझे भीगना ज़रा भी नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपको इस वाटरफॉल में जाना है तो आपको इस पानी के अंदर से जाना बहुत ज़रूरी है, तो बस उसके लिए मैं रेनकोट लेकर आई हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। टूरिस्ट इस वाटरफॉल का पूरी तरह से मजा ले रहे हैं यहाँ के पानी में भीग कर। गाइज, ये जो आपको यू शेप का रोड दिख रहा है, इस रोड पर इस तरह के काफी सारे हेयरपिन बेंड्स हैं। गाइज, ये वाटरफॉल के नीचे से जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त संभाल कर जाइए क्योंकि ज़मीन यहाँ की काफ़ी स्लिपरी है। तिला बुट्टा 30 रुपए ला एक बुट्टा, बुट्टा दे। गाइज, यहाँ पे कोयले पे आपको सेक के मिलता है बुट्टा, उसके साथ साथ आपको बॉयल बुट्टा, दोनों बुट्टा मिलता है। एकदम रबड़ी चाय पी सकते हो, देखिए कितनी अच्छी चाय बन रही है, तो इस चाय की पूरी मजा आप ले सकते हो पूरे पानी में भीगने के बाद। कितने का है चाय? चाय 10 रुपए की। 10 रुपए की एक दे दीजिए।
गाइस अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है थंब पॉइंट। ये पॉइंट जरूर करने आते हैं सभी टूरिस्ट जो मालशेज घूमने आते हैं, तो बस इस पॉइंट को हम चल रहे हैं अब विजिट करने। तो आप भी मेरे साथ देखिए इस पॉइंट को। पॉइंट पर हर वाटरफॉल पे आपको इस तरह की मजबूत रेलिंग मिलेगी, तो काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पर किसी भी पॉइंट को आप विजिट कर रहे हो। फिर भी उसके बावजूद अगर आप किसी वाटरफॉल पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है कि आप वहाँ के पानी की चिकनाई के वजह से फिसल ना जाओ। बाकी सेफ्टी सभी जगह पर है गाइज। ये है वो थंब पॉइंट, तो चलिए इसे देखते हैं। इस थंब शेप के नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के सामने यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट फोटो या सेल्फी जरूर लेते हैं। गाइज हर पॉइंट पे आपको इस तरह के स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर बुट्टा, मैगी, चाय, बिस्किट्स, तो इस तरह का स्नैकिंग भी आप कर सकते हो हर पॉइंट पर आने पर। मालशेज टनल छोटा सा टनल है, तो बस इसको पास थ्रू करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अब विजिट कर रहे हैं मंदिर को। तो ये है, हर घाट में एक मंदिर होता है, वैसे ही ये मालशेज घाट का मंदिर है। इस मंदिर को सभी टूरिस्ट विजिट जरूर करते हैं। अब हम पहुंचे हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार वॉश पॉइंट। देखिए पहाड़ों से नेचुरल पानी से यहाँ कार वॉश होती है पूरी तरह से आपकी। गाइज हम पहुंचे अब किला पॉइंट। ये किला पॉइंट को फोटोग्राफी पॉइंट भी बोलते हैं, तो बस इसे विजिट करेंगे और देखते हैं कि इसे कि कैसा है ये पॉइंट। आज बहुत ज़्यादा फॉग होने के वजह से बिल्कुल सीनरी इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, तो जितनी क्लिक कैप्चर करके मैं आपको दिखा सकती हूँ उतनी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मालशेज ये बहुत ही सुंदर स्पॉट है, ये बहुत ही अच्छा घाट है जहाँ पर आप पूरा डे स्पेंड कर सकते हो। अगर आप डिसाइड करो तो यहाँ पर आप 2 डेज का स्टे भी ले सकते हो महाराष्ट्र टूरिज्म के उनके होटल में। तो अगर आप महाराष्ट्र में किसी स्पॉट को विजिट करना चाहते हो तो मालशेज घाट को ज़रूर मानसून में विजिट करें। गाइज यहाँ से भी आप इसका व्यू ले सकते हो और उसके साथ नीचे जाकर देख सकते हो। गाइज मालशेज में वाटरफॉल का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, आप हर स्पॉट पे एक वाटरफॉल को देख सकते हो।
लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े बड़े जो वाटरफॉल है इनको विजिट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उन्हीं में से ये और एक वाटरफॉल है और ये आप देख सकते हो इतना सुंदर है, इतना अच्छा। और यहाँ पर एक छोटा सा बाथ टब जैसा बना हुआ है जहाँ पर लोग आराम से बाथ भी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से इस वाटरफॉल को। तो चलिए इसे भी एक्सप्लोर करिए मेरे साथ। गाइज, आज के दिन में हमने मालशेज को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, और भी बहुत सारे वाटरफॉल है, लेकिन हो गई है शाम, हो गई है रात, तो चले गए अब घर की तरफ। तो बस इस वीडियो को, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बाय बाय।